मथुरा जिलाधिकारी पुलकित खरे ने कलेक्टर सभागार में गवर्निंग बोर्ड की बैठक ली। इस दौरान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन आत्मा योजना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना तथा प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन योजना आदि पर संबंधित अधिकारी तथा बीमा कंपनी के पदाधिकारियों से चर्चा की। जिलाधिकारी ने डीडी एग्रीकल्चर को कृषि एवं एलाइड विभागों की योजनाओं का समयबद्ध क्रियान्वयन कराने और योजनाओं के सत्यापन आदि की टीम गठित कर कार्रवाई कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की समीक्षा में निर्देश दिए कि अधिक से अधिक किसानों को जोड़ने पर जोर दिया जाए और उन्हें बीमा योजना से लाभान्वित किया जाए। इस दौरान जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि प्रचार प्रसार के माध्यम से फसल बीमा योजना को लोगों तक पहुंचाया जाए। जो किसान इस योजना से ना जुड़े हो उनको उक्त योजना से जोड़ा जाए। बीमा कंपनी के पदाधिकारियों को भी इस दौरान सख्त निर्देश दिए कि वे अपने कार्यालय में सुबह 10 से 12 बजे तक उपस्थित रहेंगे तथा सभी किसानों के बीमा संबंधित शिकायतों का निस्तारण करवाएंगे। और उनके क्या कार्यक्रम है? अभी यह मीटिंग इसलिए बुलाई गई है क्योंकि हेल्थ एंड न्यूट्रिशन और एजुकेशन दो चीज़ें हम लोग कवर कर रहे हैं। अगर इन दो चीज़ों पे हम लोग के ज़िले में अच्छे से काम हो जाता है तो काफ़ी प्रोग्रेस होगी, बिकॉज हेल्थ न्यूट्रिशन और एजुकेशन ही समाज को आगे लेकर जाता है। आप और हम यहाँ पर हैं, उसके पीछे भी एजुकेशन का बहुत बड़ा रोल है, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन का बहुत बड़ा रोल है। आप लोगों को बहुत सारी योजनाएँ वो लोग डिटेल में बता चुके हैं तो उन पर मैं चर्चा नहीं करूँगा। आई विल टॉक ऑन स्पेसिफिक पॉइंट्स जो हमें अचीव करने हैं, जिसके लिए आपको बुलाया गया है। आप लोग गोद, जितने भी आप लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, कोई ना कोई आंगनवाड़ी, कोई ना कोई स्कूल आप लोगों ने गोद लिया हुआ है। वो गोद लिए हुए काफ़ी टाइम हो गया है, बट फिर भी जो जनपद की प्रगति है और हम जब विजिट करते हैं अलग अलग आंगनवाड़ी केंद्रों में, स्कूल्स में, तो वो स्थिति नहीं मिलती है जो आंकड़ों में हम दिखा रहे हैं। और कई बार आश्चर्यचकित भी होना पड़ता है कि हमारे यहाँ पे अधिकारी गोद ले रखे हैं फिर भी आंगनवाड़ी की स्थिति उतनी नहीं है जितनी हो सकती थी। जो हमें जिस कार्य के लिए हम आए हैं सिर्फ उसके अपने स्लाइड करें। देखिए, बाल विकास विभाग के जो कार्य हैं उसमें बेसिकली सभी लोग, बहुत लोग ये समझते हैं कि पोषाहार बढ़ना, जबकि पोषाहार वितरण इसके मुख्य कार्य, इससे महत्वपूर्ण उसके गैर पोषाहार संबंधी कार्य। पहले इसमें पोषाहार वितरण के कार्य लिखे गए हैं जो हमारे लाभार्थी वर्ग हैं, 6 माह से 6 वर्ष तक के शिशु और गर्भवती धात्री महिलाएं होती हैं। लेकिन हमारे गैर पोषाहार कार्यों में भी आपकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, जैसे शाला पूर्व जो अनौपचारिक शिक्षा है। आप सभी के पास एक पर्यवेक्षण प्रारूप पहुंच गया होगा जिसके आधार पर आपको आंगनवाड़ी केंद्रों की मॉनिटरिंग करनी है। पर्यवेक्षण प्रारूप जिस जिसके पास है एक बार आप उसको खोल लें। देखिए, बेसिकली इसमें मैं बहुत संक्षेप में बताऊँ तो इसमें आपको आंगनवाड़ी केंद्रों, जो आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री हैं उनको आप अंक आपको प्रदान करने हैं। वो उन अंकों का आधार क्या होगा? तो बेसिकली उसके 3 आधार हैं। सबसे महत्वपूर्ण आधारों में से एक है, एक तो आंगनवाड़ी केंद्र की आधारभूत संरचना और संसाधन। जैसे कि आप किसी आंगनवाड़ी केंद्र पर जाते हैं तो आप जरूर चेक करें उसमें कि वहाँ विद्युतीकरण है कि नहीं। इसी के अलावा पेयजल और शौचालयों पर रैंकिंग है, उसका मार्क्स है, वो आपको वहाँ पर आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री केंद्र पर पहुंच करके और स्वयं देख करके फिर आपको इसके मार्क्स देने हैं उनको।